अब देखो यार, अगर तुम लोगों ने अभी तक एड तो नहीं देखा है तो गाइज मैं तुम लोग को बता दूं, आज एड व्यू डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर एड व्यू का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर एड व्यू के वर्ल्ड चैंपियन MJF एड व्यू का वर्ल्ड चैंपियनशिप समोआ जो के खिलाफ डिफेंड करते गए। और यहां पर आज इन दोनों के मैच के ओपनिंग के ऊपर एडम कोल MJF के साथ रिंग साइड एरिया पर नहीं होते गए, क्योंकि एडम कोल यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को चेक करने के लिए हॉस्पिटल के ऊपर गए होते गए, और क्योंकि मैच के अंदर MJF की मदद के लिए कोई भी नहीं होता है, तो इसीलिए लिटरली आज इस पूरे मैच के अंदर समोआ जो MJF को बढ़िया से पेल देते गए, जहां पर मैच के ओपनिंग के ऊपर ही समोआ जो के ब्रूटल चॉप स्टॉप के बाद समोआ जो आज इस मैच के अंदर MJF को रिंग साइड एरिया के ऊपर एक ब्रूटल सुप्लेक्स देते गए, जिसके बाद कि समोआ जो रिंग साइड एरिया पर टेबल लगा के MJF को टेबल के ऊपर उठाकर पटक देते गए, और मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर समोआ जो MJF के ऊपर उनका फिनिशर मसल बस्टर भी यूज करते गए, बट गाइस यहां पर MJF मसल बस्टर पर किक आउट कर जाते गए, जिसके बाद के मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर MJF उनके डायनामाइट डायमंड रिंग का यूज करके मैच को जीतने की कोशिश करते गए, बट गाइस समोआ जो काउंटर करते हुए MJF के ऊपर ककीना क्लश लगाते गए, और गाइस समोआ जो मैच को जीतने ही वाले होते गए, तभी यहां पर एडम कोल रिंग साइड एरिया पर आ जाते गए, जहां पर एडम कोल रिंग साइड एरिया पर आके रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर देते गए, और इसी चीज का फायदा उठा के MJF यहां पर समोआ चेन से पूरी तरह से आउट कर देते गए, और एडम कोल के इंटरफेरेंस के वजह से आज AEW के ग्रैंड स्लैम के मेन इवेंट के ऊपर MJF ने समोआ जो को बीट कर दिया है, और MJF ने रिटेन कर लिया है AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप।